राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज मेला बोल रही हूँ, गला पड़ा हुआ है क्योंकि शाम को कीर्तन वगैरह होते हैं, पानी पी लो तो पूरा गला पड़ जाता है और इधर पूरे कपड़े पड़े हैं क्योंकि आज बादल अच्छा है और भी टाइम हुआ है, 4 बजा है दोपहर का। कपड़े मैंने दोपहर में धुले थे सारे, तो अभी पड़े हुए हैं क्योंकि 2-4 बूंदें पड़ी थी, बारिश तो हुई नहीं मगर बूंदें पड़ी थी थोड़ी थोड़ी। तो अभी यहाँ मौसम ज़्यादा ठंडा था तो मैं यहाँ के बैठ गई हूँ। कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आज तो थोड़ा ठीक है, जुकाम भी है कस के और गला भी बैठ गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, शौर आया छत पे टहलने वो। तो अभी बाहर मौसम ठंडा है, इस चक्कर में मैं आके बैठ गई, थोड़ा कान उठाया। और अभी फिर 7 बजे से होते हैं गणेश जी के गाने। तो आज है गणेश जी का 3रा दिन और अब की बार हो तो रहा है, मगर आंटी ने बोला कि करो सब अच्छा है। ये वाली आंटी नहीं है इस समय कि तबीयत ख़राब थी, तो लखनऊ में है, इनकी कमी बहुत खल रही है क्योंकि ये बहुत सहयोग करती थी, इस टाइम इनकी कमी बहुत। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 2-3 दिन हो गए गाने टाइम, रोज़ एक बार सब लोग याद करते हैं आंटी को। आंटी से बात की थी तो आंटी ने बोला हम ठीक है, गणेश जी रखो, तो मैंने रखे थे। मैंने पहले सोचा था कि मैं ऊपर रखूँगी, नीचे रखूँगी ही नहीं। तो अभी करते हैं शाम के भोग की तैयारी। तो आज शाम के भोग में लगाएंगे सब्जी, पूड़ी और खीर, इन 3 चीज़ों का आज भोग लगेगा। तो उसके लिए मैंने आलू उबाल के रख दिए हैं, आलू उबाल के और छील के भी रख दिए हैं। तो अब जाके बनाएंगे क्योंकि 7 बजे से गाने होंगे, 4 बजाए भी। तो अभी जाके काम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ लें फिर उसके बाद स्टार्ट करें क्योंकि अंदर गर्म लग रही, बादल था ना, 2-4 बूंदें पड़ गई तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। और बाहर अच्छा लग रहा है, बाहर मौसम जो है ना बढ़िया है, बादल हैं थोड़े थोड़े, धूप नहीं है बिल्कुल भी, बादल हैं मगर ऐसा भी बादल नहीं है कि बारिश होगी, मगर मौसम ठंडा हो गया है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या करते हैं। कुछ सामान थोड़ा बहुत मंगाना था, वो जहाज से मंगाया है। तो अभी जा रहे हैं भोग की तैयारी करने। ऐसे आधा भोग तो आंटी जी बनाती थी, आंटी जी का रोज़ का नियम था, भोग बना के लाती थी। चलिए आंटी जी की जगह पे आजकल हम ही पूरी कर रहे हैं, आंटी जी की कमी खल रही है। सब लोग बातें करते हैं रोज़ आंटी जी की, आंटी जी ब्लॉग देखेंगे ना तब उनको याद आएगी हम लोगों की। तो यहाँ पे आलू उबाल के छील के रख दिए, तो इनको पहले फ्राई करेंगे क्योंकि आज आलू पूरी और साबूदाने की खीर बनाएंगे। ये बंदर तो और आ गए हैं आतंक काटने, दो आए, दो ये तो अंदर ही घुस जा रहे हैं सबके घर में। ये 3 देखो, 3 हैं। अब ये जान के रोज आएंगे। इतना मोटा होने से क्या हो निकला है, इतनी जगह है उसके लिए पर्याप्त है। ऊपर का तो वो था कि ऊपर ना आ जाए, मगर नीचे का नहीं सोचा था नीचे आ जाएगा। चलो कोई नुकसान नहीं किया, हाँ तो जब घुसेंगे इससे तो फाइबर हमको भी लगवाना पड़ेगा। 3 लोगों का मतलब है कि भोग लेने आए थे, राधा कृष्ण और गणेश जी अपना भोग लेके गए। अबे तो छोटे वाले का सोच रहे होंगे रखा है, भूख तो नहीं लगी इनको आज, इनका टिफिन उठा के लाओ भैया आज रखे यहाँ, यही भूखे होंगे पक्का है। हैं माधव, माधव का टिफिन ऊपर रखा है, भूखे होंगे तभी सोचे होंगे चलो चला जाए अपनी सेना लेके। करैया तो करैया भाई, कहाँ है मांझी, तो तुम बहुत और रगड़ रगड़ के उनका, हम तो थक गए तुमका देख देख के। ये रखिए लिए जा रहे मैडम, तो कोनो मतलब नहीं, बंदर अगर यहाँ आ जाते समझे मुक्ता तुमका, ऑफिस तुम्हारा वर्क करता है आके यहाँ
कहते ला थोड़ा वर्क हम भी करा ले, दे देते उसको, कहते ले लो ले लो, करो जाके तुम भी है। तुम ही कर लो। तीजी बार जाती है ना, तीजी कम लगती है। शिवानी तो शिवानी तलघर में कुछ जाती है। गेट वेट कुछ नहीं खुला था, वो ऊपर से आया था, उसको फल दिखे होंगे शायद। चलो भैया हमने ले ली कर अपना काम कर के, बंदर आ गए थे आज नीचे। चार पहले पूरा घर जैसे डाकू मंगल सिंह आ गए। आज अंधेरा है, बादल है। स्लाइडर भैया नहीं खोलना, बंद रखना उसको। सामान जाओ लेके आओ, सामान लिखवा दो दिया तुमको, पैसा तुम जाओ सामान मिल जाएगा। अरे हरिओम क्या लेके जाएंगे? तो हाँ लेके निकाल उसको, दिखा देना जाके कोचिंग जाना। कोचिंग यहाँ का एक बल्ब फ्यूज हो गया। कोचिंग बंद है अभी, गारंटी में है ना? कोचिंग तो बंद है, कोचिंग तो बंद है, कोचिंग तो सामान ले आओ और ये बल्ब लिए जाओ, देख लो जाके। अरे चेंज हो जाएगा तो चेंज कर लो। तो देखो हम आलू फ्राई कर लें, सबसे पहले अपनी आलू फ्राई कर। हाँ बुआ दिमाग कह रहा है, तब तक तुम दिमाग फ्राई करो। तो डाल दिया मैंने इसमें तेल, तो तेल हो गया हमारा गरम, इसमें डाल देंगे जीरा और उसके बाद हल्दी पाउडर और फिर डाल देंगे डायरेक्ट आलू। देखिए और कुछ नहीं डालेंगे, केवल जीरा आलू बनेंगे आज सादे वाले। मिर्चा, नमक, जीरा, मिर्चा कितनी चीजें, डालेंगे सब्जी मसाला। लाल मिर्च पाउडर, क्या बता रही ज्योति दीदी, नमक स्वाद अनुसार, इसमें कम ही नमक है। इसके बाद इसको अच्छे से कर लीजिए मिक्स। टमाटर नहीं डाले ज्योति दीदी, नहीं तो चिपचिपी सी हो जाती ना, बांटने में सही नहीं रहता। तो इधर मेरी आलू हो गई फ्राई और एक तरफ बन रही है चाय। इधर संध्या की मम्मी लगा रही है आटा, पूरी टंकी समेत इतना आटा लग गया, ये पूरी बेलेंगी। सब अपने अपने काम कर रहे हैं, हमारा काम तो सब्जी बनाना, बन गई हमारी। तो ये बन गई हमारी शाम की चाय, आ जाइए चाय पी लीजिए, चाय पी के तब हम लोग पूरी बनाएंगे, है ना ज्योति दीदी? चाय पी के तब बनाना, कहा होगा कहा हैरान परेशान, पूरी तुम ही पीलियो चाहे परेशान जितना हो। पूरी तुमको ही बेलनी पड़ेंगी। सूरत देखो, सूरत बहुत अच्छी है, सांवली सूरत तेरी, दिल दीवाना हो गया। हाँ नौकरानी बच्ची रही, कहा थे सबको जानते वहां दीदी है। बन गई सारी पूरी और इधर ये सब्जी और यहाँ बन रही है साबूदाने की खीर। तो आज का भोग का सामान रेडी हो गया है, क्योंकि सब में बटता है, बाकी सामान भी मंगवा लिया है। ये मंगाई है छोटी कटोरी और ये प्लेटें सब्जी पूरी के लिए। टाइम हो गया 6:30 और बिपिन अपना काम करने आ गया है, लाइट वगैरह जलाने, लाइट वगैरह जलेंगी फिर यहाँ पे बिछाएंगे, क्योंकि 7 बजे से कीर्तन होने लगते हैं, 7 बजे सब लोग आ जाते हैं ज़्यादातर करके। तो मैं भी जाके अब कपड़े चेंज करूँगी
और उसके बाद फिर आएंगे, तो पहले यहाँ पे चटाई वगैरह बिछा दें, तब तक इसका काम भी हो जाएगा पूरा। पहले बार बस से गए थे, तो जो बस से लेके गए थे उतरे चश्मा लगाए थे।
बोले कि सभी लोग ध्यान दे, यहाँ पे पंद्रह चश्मा लेके चले जाते हम चलते अपनी अम्मा से जुड़ेंगे, अम्मा से चश्मा पकड़ो तो अम्मा पकड़े अम्मा देगा आपने भैया का सहारे नहीं खरीद इनके आज बड़ा रोटी चाको तो यहाँ पे बैठ के चल रहा है प्रसाद, लग रहा है पंगत बैठी है यहाँ लग क्या रहा है बैठा ला है खा पी के तो सब ऊपर जाएंगे बिटिया पसंद है भाई आप देखो चाय प्रसाद सब खाना प्रसाद सब हो गया आप चाय बनिए रात में 11:30 बजे लोग कितने चाय चार आप नहीं पियोगी क्यों नहीं हमको तो मजा जब आती है ज्योति दीदी अगर छत पर चढ़ाओगे तो नहीं पहुंच पाई है और शिवानी अगर नहीं दोनों चीजें होनी चाहिए ये बस अगर चेंज हुआ है बाकी कुछ नहीं चलो भैया स्टूल दे ज्योति दीदी के दोनों है ज्योति दीदी तुम्हारे स्टूल स्टूल यहाँ रख दे शिवानी कहाँ गई तो यहाँ की सारी चटाई वगैरह हटा दी और ये बर्तन जाएंगे इतने ऊपर ये चिकन दिया यहाँ पे इसके बाद हम भगवान को सुला के हम आ रहे हैं तू रवि चलो भैया गए ना ऊपर जाओ तुम लोग चलो हम आ रहे हैं तो फाइनली बहुत अच्छे से कीर्तन हो गए जूते चप्पल किसके बाहर पड़े राज के हैं मुझे लगता है चलो बाहरी चप्पल जूते निकाल देते हैं ना आते समय तो बाहर ही पड़े राज तुम्हारे जूता बाहर शिवानी जूते बाहर है तुम्हारे सबके हैं उठाओ अपने अपने जूते चप्पल यहाँ से सब भूल ही गए इसके जूते चप्पल बाहर पड़े हाँ उतने समय पूजा कर रही थी ना चुप कह रही बस थोड़ा पहन ही लिया आ गए सारे तो नहीं है बाहर हाँ क्या है नहीं आपकी और तो कोई चप्पल है नहीं देख लो अंदर इतने लोगों में चप्पल नहीं चोरी होंगे नहीं बदल जाते हम कल खुद किसी दूसरे के पहन के चले गए थे तो चलिए अब बंद करते हैं गेट और भगवान को सुलाते हैं राधा माधव सो गए गए ऊपर क्योंकि उनका पंखा वगैरह जो है ना ऊपर है और यहाँ गणेश जी का पंखा ये वाला चलता रहेगा और इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का ही पैन ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तब तक के लिए राधे राधे।